नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 मई, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पहुंचे लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया का किया दौरा, युद्ध घोष के लिए किया अलर्ट, कहा 24 घंटे किसी भी टाइम किसी भी समय युद्ध के लिए रहिए अलर्ट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट, अब पानी के अंदर भी होगा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, नौसेना को मिल रहे हैं 2 घातक युद्धपोत, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साउथ चाइना सी में बढ़ेगी चाइना की टेंशन। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट, यूक्रेन में भारतीय दूतावास की धमाकेदार एंट्री, भारत की खोला दूतावास 17 मई से फिर से क्यू में काम करने का किया ऐलान, रसिया सुन हो गया, कंफ्यूज हुआ रसिया। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, अब पाकिस्तान में भी चल रहा है बुलडोजर, इमरान खान की रैली पर शहबाज शरीफ ने किया एक्शन, पिटता पिटता बच गया इमरान खान। जी हाँ, ये हम आपको बताएंगे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान, कहा रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था $4.3 trillion तक पहुंच गई होती। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। कश्मीर से गुप्तकारों ने भी कुछ एक ऐलान किया। वहीं साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ, हमले की साजिश रच रहा आतंकी हुआ गिरफ्तार। तो एक एक करके बताएंगे। देश में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, सब कुछ खबरें। लेकिन उससे पहले एक छोटा समय, अगर आपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर से सेना की बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों VIPs पर हमले की साजिश रच रहा है आतंकी हुआ गिरफ्तार। सेना ने जम्मू कश्मीर के रफियाबाद में सोपोर के इलाके में सुरक्षा बलों व VIP को निशाना बनाने की योजना बनाने के आरोप में एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी की पहचान हंदवाड़ा निवासी रिजवान सफी लोन के रूप में हुई है। सेना के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एक विशेष इनपुट पर कार्रवाई करते हुए आर्मी ने रफियाबाद पुलिस के साथ रोहामा रफियाबाद में संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है और एक आतंकवादी को पकड़ा है, जिसके कब्जे से गोला बारूद के साथ एक पिस्टल भी बरामद हुई है। बयान के मुताबिक ये उल्लेख करना उचित है कि पकड़ा गया आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा यानी LAT के लिए काम कर रहा था। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किया लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया का दौरा, जवानों संघ की बात, ऑपरेशनल तैयारियों की भी की समीक्षा। दरअसल आपको बता दें, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा के लिए लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सेक्टर में तैनात भारतीय सेना और ITBP के जवानों के साथ बातचीत की है। सेना प्रमुख गुरुवार को लद्दाख की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे थे और उनकी लद्दाख की यात्रा भारतीय सेना की कमान थामने के करीब 2 सप्ताह बाद हो रही है। आपको बता दें, लद्दाख में ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चाइना के बीच मई 2020 से ही LAC पर तनाव बना हुआ है। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की यात्रा के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत की सैन्य तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस बीच आपको बता दें, अग्रिम चौकियों का निरीक्षण करते हुए सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा है, हमें किसी भी कीमत पर युद्ध को तैयार रहना होगा, यानी 2 मिनट के युद्ध की तैयारी पर रहना होगा, 2 मिनट के। ये जो ऐलान है दोस्तों ना, इस बात को आप समझिए, 2 मिनट के युद्ध घोष की तैयारी पर रहने को कहा है, यानी किसी भी कीमत अगर युद्ध होता है तो आपको तैयार रहना होगा। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, अब पानी के अंदर भी होगा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, नौसेना को मिलेंगे 2 घातक युद्धपोत। दरअसल समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। भारतीय नौसेना के 2 अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है हरी झंडी दिखाए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इस बीच 17 मई को उद्घाटन होगा। भारतीय नौसेना के 2 अग्रिम मोर्चे के युद्धपोत तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 मई को उद्घाटन करेंगे। ये युद्धपोत सूरत और उदयगिर के हैं। सूरत 15वीं डैश ट्रायर प्रोजेक्टर और उदयगिरी 17 फ्रिगेट प्रोजेक्टर का युद्धपोत होगा। यहाँ P-17 फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है, जिनमें बेहतर हथियार और सेंसर तथा मंच प्रबंधन प्रणाली भी लगी है। इसका उद्घाटन मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड पर किया गया है। सूरत प्रोजेक्ट पर 15वीं डेस्ट्रायर का 4था जहाज जो GOP-15O डेस्ट्रायर कोलकाता क्लास का उन्नत संस्करण है। तो दोस्तों, ये डेस्ट्रायर है, यानी कहीं ना कहीं ये समुद्र में किसी भी फाइटर जेट, समुद्र से फाइटर जेट को ये तबाह करने में, किसी भी युद्धपोत और किसी भी सबमरीन को तबाह करने के लिए ये काम करता है। हम चलते हैं, एक और अपडेट। यूक्रेन में भारतीय दूतावास 17 मई से क्यू में काम करना करेगा शुरू, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूक्रेन में भारतीय
दूतावास खुलने जा रहा है, रशिया हुआ कंफ्यूज। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जहां भारत ने शुक्रवार को घोषणा की है कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास 17 मई से राजधानी कीव में काम करना शुरू कर देगा। मध्य मार्च के बाद से भारतीय दूतावास अस्थायी तौर पर पोलैंड के वारसा से काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन में भारतीय दूतावास 17 मई से राजधानी कीव में काम करना शुरू कर देगा, जो अस्थायी तौर पर वारसा से प्रचलित हो रहा था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दूतावास 17 मार्च से अस्थायी तौर पर वारसा ट्रांसफर कर दिया गया था। कीव में दूतावास का परिचालन फिर से शुरू करने का निर्णय कई पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन की राजधानी में अपना मिशन दोबारा खोलने के फैसले के बीच आया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान के बाद युद्धग्रस्त क्षेत्र में तेजी से खराब होते हालात के मद्देनजर भारत ने कीव से दूतावास को पोलैंड ट्रांसफर करने का निर्णय लिया। हम चलते हैं एक और अपडेट। अब पाकिस्तान पहुंचा बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स। इमरान खान के रैली स्थल पर शहबाज शरीफ का ताबड़तोड़ एक्शन। आपको बता दें विश्वास प्रस्ताव हारने और सत्ता खोने के बाद से इमरान खान बौखलाए हुए हैं। अब उन्होंने कहा है कि भले ही पुलिस कुछ करे लेकिन वो आज सियालकोट जा रहे हैं। डॉन की एक रिपोर्ट बताती है कि इमरान खान की रैली सियालकोट में ऐसी जगह हुई जो ईसाई समुदाय से संबंधित है और इसी को लेकर विवाद हो गया है। पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ श्रेणी कार्यकर्ताओं को संबोधित क्षेत्र में रैली की तैयारी करने से रोक दिया, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस जब संबंधित क्षेत्र में रैली की तैयारियों पर रोक लगाने पहुंची तो इमरान खान की पार्टी से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान, बोले अगर कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोरोना और यूक्रेन रूस युद्ध नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 4.3 ट्रिलियन डॉलर होता। भारत की तरह ही अमेरिका और चीन में भी महंगाई का संकट है। कोरोना से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे कोरोना प्रबंधन की प्रशंसा की है। देश से निर्यात लगातार बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा है, RBI ने महंगाई रोकने के लिए कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री शनिवार को लखनऊ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ विद राजनाथ में बोल रहे थे। हम चलते हैं एक और अपडेट। श्रीनगर में गुपकार गठबंधन की बैठक, कहा प्रवासी कर्मियों को किया जाए सुरक्षित जगह पर तैनात। गुपकार गठबंधन में शामिल विभिन्न पार्टी के नेताओं ने शनिवार को बैठक की है। बैठक का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के आवास पर किया गया है। इनमें कश्मीर में हाल ही में हुई टारगेटेड किलिंग पर ईशीमान आयोग की फाइनल रिपोर्ट व अन्य प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद PGMD ने घाटी में प्रवासी कर्मचारियों को सुरक्षित जगह हस्तांतरित किए जाने की मांग की है। PGMD के प्रवक्ता माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारागामी ने कहा है कि गुपकार गठबंधन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करने का फैसला लिया, इसके लिए उपराज्यपाल से समय मांगा जाएगा और विभिन्न मांगों को के सामने उजागर भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों पर हुए लाठीचार्ज की भी निंदा की। उन्होंने कहा है कश्मीरी पंडित दुख बांटने के लिए सड़क पर निकले थे, ऐसे में उन पर लाठियां बरसाना निंदनीय है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों अप्रैल में ही तय हो गया था कि बंद होगा गेहूँ का निर्यात, लेकिन MSP से ज़्यादा खरीद के खेल ने बिगाड़े हालात। दरअसल दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा गेहूँ की पैदावार करने वाले अपने देश में जब शनिवार की सुबह यह फैसला लिया गया और अब देश का गेहूं दुनिया के मुल्कों में नहीं जाएगा तो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। लेकिन जो फैसला पूरी दुनिया के लिए शनिवार को अचानक लिया गया, दरअसल उसके पीछे कहानी कुछ और ही है। वाणिज्यिक मंत्रालय ने देश से गेहूँ खरीद करने के वाले राज्यों के अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े से इस बात की तस्दीक अप्रैल में ही करने लगे थे कि हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि जून से गेहूँ के निर्यात में या तो बड़ी कटौती की जाए या फिर उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। लेकिन बिगड़ते हालात के बीच सरकार को यह फैसला मई में ही लेना पड़ा है। देश के अलग अलग राज्यों में गेहूं के खरीद केंद्रों को निगरानी करने वाली केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी यह बात बता रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। एलन मस्क के स्पेसएक्स ने रॉकेट संग लॉन्च की 53 सैटेलाइटें। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने शनिवार की सुबह भारतीय समय अनुसार रॉकेट के जरिए 53 सैटेलाइट लॉन्च की है। उन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया से स्टारलिंक इंटरनेट कंसल्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है, जो स्टेज वाला फॉल्कन 9 रॉकेट वंदेरबर्ग स्पेस फोर्स वेस से रात 2:30 बजे
रवाना हुआ था। इसके कुछ मिनट बाद रॉकेट अपने पहले क्षण में डोनर शिप पर लैंड हुआ था जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दें, लगातार डंका बजा रहे हैं अपना और ख़ास करके पूरी दुनिया भर में स्पेसएक्स डंका बज रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली बड़ी अपडेट, पाकिस्तान पर गिरा देना परमाणु बम, पूर्व पीएम इमरान खान के इस बयान ने मचाई सनसनी। दरअसल आपको बता दें, पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के 3.5 साल कार्यकाल के दौरान वो अपने अजीबोगरीबो बयान के चलते सुर्खियों में छाए रहते हैं। इसी बीच इमरान द्वारा दिए गए वैतिको बयानों के चलते उनकी जग हंसाई भी हुई है। हालांकि ऐसा लगता है कि सत्ता जाने के बाद उनकी जबान जो है बस जस की तस बनी हुई है। दरअसल इमरान ने पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम गिराने की बात कही थी। अब ये सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इमरान ने ये बात बयान सरकार को घेरते हुए किया। अब इस बयान की हर जगह चर्चा हो रही है, यानी पाकिस्तान के ऊपर ही परमाणु बम गिराने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हो चुके हैं पाकिस्तान का। अगली एक और अपडेट, यूएई के अगले राष्ट्रपति होंगे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इस पद को संभालने वाले बने तीसरे नेता। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के अगले राष्ट्रपति होंगे। 61 साल के नाहयान इस पद पर काबिज होने वाले देश के तीसरे राष्ट्रपति होंगे। यूएई के शासकों ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को औपचारिक रूप से देश के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुना है। WMB न्यूज़ ने बताया है कि शेख मोहम्मद को फेडरल सुप्रीम काउंसिल द्वारा चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ इलाकों के शासकों ने एक बैठक में राष्ट्रपति को लेकर यह फैसला किया है। गौरतलब है कि दिवंगत राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान का शुक्रवार को निधन हो गया था। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने वोट देने के बाद ट्वीट किया और कहा, हम उन्हें बधाई देते हैं, हम उनके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट, नाटो में शामिल होने को तैयार फिनलैंड स्वीडन, लेकिन तुर्की बन सकता है रोड़ा, उनके एक कदम तोड़ देगा, इनके कदम तोड़ेगा सपने। दरअसल आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने शुक्रवार कहा है कि उनका देश फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। नाटो सदस्य के नाते तुर्की वीटो का इस्तेमाल करके दोनों देशों के नाटो को सदस्य बनने से रोक सकता है। एर्दोगान ने संवाददाताओं से कहा, हम स्वीडन और फिनलैंड के घटनाक्रम पर करीब से नज़र बनाए रखे हैं, लेकिन हमारा रुख पक्ष में नहीं है। दरअसल यूक्रेन पर हुए रूस के हमले के बाद से फिनलैंड और स्वीडन भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसी वजह से दोनों नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। एक और अपडेट, अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, श्रीलंका के नए पीएम विक्रम सिंधिया ने कर्फ्यू में दी 12 घंटे की ढील, नई कैबिनेट का जल्द होगा गठन। दोस्तों ऑल इज वेल दिख रहा है। गंभीर आर्थिक संकट से पश्चिम श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देशव्यापी कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा जो है वो ऐसे समय पर की है जब देश में नए कैबिनेट के गठन की मांग तेज हो गई है, यानी नए कैबिनेट के गठन की मांग हो गई है। और इसी को देखते हुए इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वो 12 घंटे की छूट दे दिए हैं। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी खबर है। श्रीलंका में हालात जो अभी तक बेकाबू थे, अब वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें दोस्तों, कुर्सी जाने के बाद हमने आपको बताया पाकिस्तान में कैसे सियालकोट में तबाही मची, जमकर लाठीचार्ज हुआ, तंबू उखाड़ कर फेंक दिया बुलडोजर ने, वो हमने आपको बताया। इस बीच एक और अपडेट, पुतिन संग बातचीत करने को तैयार हुए ज़ेलेंस्की, कहा कोई नहीं बता सकता कब तक चलेगी जंग, बातचीत को तैयार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को अब 3 महीने होने को करीब हैं, लेकिन अब तक दोनों देशों के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। सैकड़ों सैनिकों, नागरिकों और हथियारों के नुकसान के बावजूद दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कोई भी नहीं जानता कि युद्ध कितना लंबा चलेगा और इनकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। राष्ट्र के नाम अपने वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध का परिणाम सिर्फ हमारे उन लोगों पर निर्भर नहीं करेगा जो अपना बहुत कुछ पहले ही दांव पर लगा चुके हैं। दुर्भाग्य से ये हमारे साझेदार देश यूरोपीय देशों और स्वतंत्र दुनिया पर भी निर्भर करेगा। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां गृहमंत्री अमित शाह हैदराबाद के गढ़ तेलंगाना में गरजे, चंद्रशेखर राव पर साधा निशाना, कहा राज्य का युवा आपकी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में प्रज्ञा संग्राम यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी TRS और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव को हटाने के लिए तेलंगाना BJP के अध्यक्ष बंदी कुमार ही काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का युवा TRS की सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें नया मुख्यमंत्री मिल गया है त्रिपुरा को। जी हाँ, आपको बता दें त्रिपुरा को मिला नया मुख्यमंत्री, माणिक शाह होंगे त्रिपुरा के लिए मुख्यमंत्री।
आनन फानन में इस्तीफा दिया। दरअसल त्रिपुरा भाजपा इकाई के अध्यक्ष माणिक साहा राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विप्लव देव के शनिवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद ये बातें हुई हैं। राज्य इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर माणिक साहा को विधायक दल की बैठक के बाद इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। राज्यसभा सांसद माणिक साहा के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वहां केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन्हें बधाई दी। यादव ने कहा कि माणिक साहा की त्रिपुरा भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की बहुत बहुत बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचेगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट ज्ञानवापी को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। आज फिर से ज्ञानवापी का होने जा रहा सर्वे। कल सर्वे में हिंदू संगठनों ने कहा बहुत कुछ पॉजिटिव मिला और जल्द ही हमें हर हर महादेव के नारे गूंजेंगे। दरअसल आपको बता दें कल ज्ञानवापी मस्जिद में घुसे पक्षकार हिंदू पक्षकारों ने कई बड़े ऐलान कर दिए। हिंदू पक्षकारों ने कहा है कि बहुत अच्छी खबर निकल के आई, सर्वे में हमें पॉजिटिविटी दिखी। सर्वे में फिलहाल खुल के हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जल्द ही अब काशी में हर हर महादेव का नारा भी गूंजने वाला है। अयोध्या में जय श्री राम, काशी में हर हर महादेव, फिर कृष्ण जन्मभूमि। अगली अपडेट गुना हत्याकांड। पुलिस ने एक और हत्यारे को किया एनकाउंटर। शिकारियों की गोलीबारी में हुई थी 3 पुलिसकर्मियों की मौत। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के गुना जिले में शनिवार तड़के शिकारियों की तरफ से की गई गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। अब पुलिस ने इन हत्याकांड के 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस ने थोड़ी देर पहले राजोगढ़ के जंगलों में एनकाउंटर किया था। एक हत्यारों को घटना के तुरंत बाद क्रॉस फायरिंग के दौरान मार दिया गया था और इस हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों को ढेर कर दिया गया है। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 160 किलोमीटर दूर आरोन पुलिस थाना क्षेत्र के सागा बाराखेड़ा गांव में शाहरुख रोड पर तड़के 3 बजे हुई थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 पुलिसकर्मियों के शहीद हो गए थे इस गोलीबारी में। लेकिन आपको बता दें अब इन जिहादियों के इन आतंकियों को अब मारा जा रहा है, जिनमें से अब तक 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत ने बंद किया गेहूं का निर्यात। दुनिया को लगी मिर्ची, G7 में मचा संग्राम। 7 औद्योगिक देशों के समूह ने भारत सरकार के गेहूं के निर्यात पर रोके जाने के फैसले की निंदा कर डाली। जर्मनी के मंत्री केम ओजा डिमोरो ने शनिवार को कहा है कि अगर हर देश निर्यात पर रोक लगाने लगेगा और बाजार बंद कर देगा तो इससे आपदा और बढ़ेगी। गौरतलब है कि गेहूं के बढ़ते दाम और कम पैदावार की आशंका के चलते शनिवार को भारत ने सरकार के अनुमति के बिना गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी है। ऐसे में रशिया और यूक्रेन युद्ध के चलते खाद्य संकट और खड़ा होने की सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपको बता दें दूसरी तरफ सरकार ने दुनिया की परवाह किए बिना देश में महंगाई को काबू करने और खाद्य पदार्थों की कीमत स्थिर रखने के उद्देश्य से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले, ज्ञानवापी जैसे शब्द का कुरान में कहीं कोई जगह नहीं है, ज्ञानवापी केवल हिंदुओं में होता है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी जैसा शब्द कुरान में कहीं स्थान नहीं पाता है। उन्होंने कहा है ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का सरोवर, ज्ञान का कुआं। इसके अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि वो स्थान ज्ञान के प्रदाता भगवान शिव का है। ज्ञानवापी में विवाद का कोई मतलब नहीं है। मथुरा मामले में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मथुरा में ईदगाह आक्रांताओं ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़कर बनाया था। मथुरा का मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो भी निर्णय लेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर तक पहुंचा अवैध लाउडस्पीकरों का विवाद। नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक में उठा मुद्दा। दरअसल शहर के सभी धार्मिक स्थल वेंकटहाल और समारोह के बिना जिला प्रशासन की अनुमति के लगने वाले लाउडस्पीकरों को हटाने के प्रस्ताव पर शनिवार को ही नगर निगम जम्मू की बैठक के दौरान चर्चा नहीं हो पाई। अब इस प्रस्ताव पर चर्चा मंगलवार को होगी जब निगम की जनरल हाउस की बैठक का विशेष मुद्दा बुलाया गया है। शनिवार को आयोजित हुई नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक के दौरान वार्ड नंबर 3 से भाजपा के कारपोरेटर नरोत्तम शर्मा ने शहर में हवा जल और थल से बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है, जिनमें उन्होंने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अवैध तरीके से शहर में बजने वाले लाउडस्पीकर, जिनमें विभिन्न धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की गई है। तो ये जम्मू कश्मीर तक भी मुद्दा हो चुका। हम चलते एक और अपडेट लेते दोस्तों। गैंगस्टर सहित कई मामलों में वांछित पूर्व MLC हाज इकबाल का बेटा गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस की ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें हाजी इकबाल सहारनपुर में गैंगस्टर सहित अन्य मुकदमों में वांछित चल रहे पूर्व MLC हाज इकबाल के पुत्र आलीशान कोतवाली बेहद
हेड पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आलिशान गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली बेहट लाया गया, जहां एसपी देहात सूरज राय ने उनसे पूछताछ की है। एसपी देहात ने बताया है कि आलिशान को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गैंगस्टर के इस मुकदमे में हाजी इकबाल व उनके पुत्रों सहित पूर्व ब्लॉक प्रमुख लईक अहमद तथा मुंशी नसीम नामजद हैं। इनमें से अब तक राव लईक व नसीम की गिरफ्तारी हो चुकी थी। राव लईक को न्यायालय से ही जमानत भी मिल गई थी। अब इस मुकदमे को विवेचन कोतवाली बेहट इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों एक और अपडेट, पीएम मोदी के मंत्रालय को निर्देश, सेहत ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के इस्तेमाल को लेकर करें तैयारी। हाइड्रोजन कार, जी हाँ, आपको बता दें अगर देश को आयातित ईंधन से छुटकारा पाना है तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का ही सहारा लेना होगा, और यह मंत्र पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के प्रमुख सहयोगियों को दे दिया है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम मोदी ने देश के ऊर्जा क्षेत्रों से बड़ी सभी मंत्रियों की एक साथ महत्वपूर्ण बैठक की, और उनमें हर मंत्रालय को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षी नीति बनाने का निर्देश दे दिया है। फिलहाल पल पल के अपडेट के लिए इतना ही। ब्रेकिंग न्यूज़।